गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स मी ईरा, ऑल द वे फ्रॉम ब्यूटी बंकर। और इस चैनल पे हम बात करेंगे अबाउट मेकअप, हेयरडूज एंड ऑल फैशन रिलेटेड स्टफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक साइड पार्टिंग करें और थोड़ा सा सेक्शन लेकर, करीब 1 से 1.5 इंच का सेक्शन लेके 3 सेक्शंस में उसे डिवाइड करें और यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रेड करें कुछ इस तरह से। आप इस ब्रेड को ऑपोजिट साइड प्लेस करके एक और सेक्शन लीजिए। ये सेक्शन थोड़ा थिक होना चाहिए और इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक डच ब्रेड बनाएं। डच फ्रेंच ब्रेड में आपको अपने राइट और लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड को नीचे से सेंटर की ओर लेकर जाना होता है, ऊपर से नहीं। इसलिए इस ब्रेड को हम उल्टी चोटी भी कहते हैं। अब आप अपने ईयर तक अपने लेफ्ट और राइट साइड के हेयर को अपनी ब्रेड में इंक्लूड करें कुछ इस तरह से। डच ब्रेड को अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से थोड़ा सा लूज करें और बैक साइड पे जाकर इसे बॉब पिन से सिक्योर कर दें। जो ब्रेड को आपने ऑपोजिट साइड प्लेस किया था उसे भी अपनी डच ब्रेड की सेंटर में लाके प्लेस करें और बॉब पिन से सिक्योर करें और अपने रिमेनिंग हेयर को एक रबर बैंड की मदद से सिक्योर करें। अपने पोनी टेल से कुछ हेयर लेकर अपने रबर बैंड के ऊपर फोल्ड करें और इस तरह से फोल्ड करें ताकि आपका रबर बैंड बिल्कुल भी विजिबल ना हो और उसे भी बॉब पिन से सिक्योर कर दें। एंड देयर यू गो गाइस। इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।